बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? किचन मूवी में खुशामदीद। आज हम आपके लिए मटन स्टू की बहुत मज़ेदार रेसिपी लाए हैं, तो चलिए फिर इसमें डलने वाली चीज़ें देख लेते हैं। मटन 1 किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उबाल लें, पिसा धनिया 2 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, कुकिंग ऑयल 3/4 कप, जीरा 1 खाने का चम्मच, ब्राउन प्याज 2 दरमियानी, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 2 पीस, कड़ी पत्ता 2 पीस, दही 1 कप, छोटी इलायची 2 से 3 पीस। तो चलें अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर जग में प्याज और दही को डालकर बारीक ब्लेंड कर लें। अब पतीली को गर्म करें और इसमें ऑयल डाल दें, थोड़ा ऑयल बचा लें। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें बॉईल किया हुआ मटन डाल दें। मटन को हमने सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर बॉईल कर लें। अब इसमें ब्लेंड किया हुआ प्याज डाल दें, अब साथ ही इसके अंदर बाकी सब मसाले डाल दें। इसमें सिर्फ एक छोटी इलायची नहीं हमने डाली, बाकी सब चीजें डाल दी हैं। हल्की आंच पर इसे फ्राई करते हैं। हमारा मटन गला हुआ है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चिकन में बनाना चाहें तो चिकन को बॉईल ना करें। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता भूनते हुए 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। देखिए मटन स्टू कितने अच्छे से भून गया है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोलते हैं। अब बाकी आयल में इलायचियां डालकर कड़कड़ाएं। जब खुशबू आने लगे तो इसे मटन स्टू में डाल दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।